स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू राज तिवारी व्लॉग। तो गाइज आज बहुत दिनों बाद अक्षत मेरे साथ है और आज का जो ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं और अक्षत जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं आपने देख ही लिया थंबनेल में, वहीं पे जा रहे हैं, यानी कि हम जाएंगे जलंधर कैंट के स्टेशन। हाँ। वहाँ का जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो भी शेयर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन क्या वो तो आपने ब्लॉग के थंबनेल में देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। बाकी अक्षत बाबू आज बड़े दिनों बाद मेरे साथ जा रहे हैं और अक्षत बाबू को इसलिए रखा है कि भाई चांस मुझसे कुछ गलती वलती हो जाए तो अक्षत बाबू उसको संभाल लेते। मेरी बात सुनो, हम भी रात को घर आ जाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं है। जब फिर सेकंड सैटरडे को हम है दोनों प्लेस में तो हम 12 बजे को वो तो रात को भी घर नहीं आ सकते। हाँ, तो हमारा सैटरडे सेकंड सैटरडे को बाहर जाने का। फिर हम 12 बजे को भी रह जाएंगे, 1 बजे को रहेंगे, 2 बजे को रहेंगे, 3 बजे को रहेंगे और 4 बजे को हम घर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर चल फिर अब तो चले, फिर 5 बजे पहुंच जाएंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेशन मैं और अक्षत, और अक्षत आज मेरे साथ है पूरे ब्लॉग में। और अक्षत ने ना अभी अभी अपना एंट्री कर ली है स्टेशन में, है ना। हाँ, और आज ना हम आपको यहाँ का बताएंगे कि भाई यहाँ से ना बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो नहीं चल रही हैं, जो खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। और कुछ स्टेशन की ना कुछ ट्रेनें जो है चल रही हैं अभी, जैसे कि होशियारपुर वाले जाने वाली ट्रेन खड़ी है 3 नंबर प्लेटफार्म में, ये जो जा रही है होशियारपुर, देखिए 3 नंबर से। तो जैसे अभी आपने ट्रेन देखी पूरे डिब्बे पे बंद थे, वो इसलिए क्योंकि ना जो ट्रेनें हैं ना वो ज़्यादातर चल रही हैं जलंधर सिटी टू अमृतसर, कैंट स्टेशन छोड़ के फगवाड़ा से चल रही हैं बाकी दिल्ली विल्ली के लिए, अम्बाला के लिए। तो इस स्टेशन को ना बहुत ज़्यादा जो है ना अभी अवॉइड किया जा रहा है, काफ़ी ट्रेनें जो है बंद हो गई हैं यहाँ से जाने वाले। और इसीलिए देखिए अब यात्री भी थोड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि ट्रेनों का जो टाइम है ना वो आगे पीछे हो चुका है। देखो आप और जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, क्योंकि ये परेशानी जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि स्टेशन पे चल रहा है भाई काम, और जो काम चल रहा ना है उसकी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। वो है ये देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए क्या चीज़ बन रही है भाई, कितना प्यारा लग रहा है हमारा जलंधर कैंट का स्टेशन और बहुत ही माइंड ब्लोइंग बन रहा है। ये सारे के सारे जो एंगल है ना ये यहाँ तक आएंगे, देखिए यहाँ तक आ जाएंगे और सोचिए कितना प्यारा बनने वाला स्टेशन। वर्क चल रहा है, देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पर देखिए बाहर भी काम चल रहा है। तो ये काम ना बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कुछ परेशानी आ रही है यात्रियों को, आप देख सकते हो स्टेशन पे भीड़ है। और कारण वही है कि ना ट्रेनें जो है ना वो सारी की सारी ना रूट चेंज करके आ रही हैं, बहुत सी ट्रेनें जो है ना लेट वेट भी हो रही हैं, तब करके ये चीज़ें हो रही हैं। और अभी ये देखिए ये ट्रेन आई है, ये आ रही है जम्मू से। अक्षय जा रहे हैं बाहर की तरफ और अभी आपको ना स्टेशन के उधर के साइड का भी व्यू देंगे जहाँ पे मतलब सारा काम वाम चल रहा है ना चलने। और अक्षय बड़े दिनों बाद आया है ना अक्षय, तो भाई बेगमपुर आ गई है, वाराणसी जाएगी। बाकी बाहर का लोकेशन कुछ इस तरह से हमारे स्टेशन का, सामने से टिकटें वगैरह मिल रही है, बाकी इधर चल रहा है काम। तो भाई फाइनली देख लीजिए स्टेशन का वर्क कुछ इस तरह से चल रहा है, ये देखो स्टेशन कितना बड़ा। हाँ स्टेशन बहुत बड़ा हो गया है ना अक्षत। और अभी ना आपको मैं थोड़ा अंदर से भी दिखाता हूँ कि कैसा कैसा स्टेशन का काम हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे ऑफिस है, बाकी कुछ इस तरह की एंट्री है और टिकट काउंटर यहाँ पे बन जाने थोड़े दिनों में। बाकी अभी काम में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि काम अभी चल रहा है भाई देखो, लेकिन हाँ काम बहुत तेज़ी से चल रहा है।
बाकी ये देखो यहाँ से कुछ ये मेन एंट्री होगी, ये पूरे हॉल वगैरह उधर सीढ़ियाँ जा रही हैं सामने, बाकी यहाँ से बाहर निकल सकते हो आप। देखो आप यहाँ से होगी आपकी स्टेशन में एंट्री कुछ इस तरह से, दिख रहे हैं इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है पूरा, है ना। और आज बहुत टाइम बाद हम इसे ना अंदर आपके आपको दिखा रहे हैं कुछ। इधर देखिए ये भी हॉल है, बहुत बड़े बड़े हॉल है भाई। और ये जारी सीढ़ियाँ ऊपर जाके ना मतलब कि कमरे वमरे बनेंगे शायद, वेटिंग रूम वगैरह। और फाइनली कुछ इस तरह का भी काम चल रहा है, टाइम अभी लग जाएगा और भी। और साथ साथ में कुछ ट्रेनें जो है अभी आजकल यहाँ पे नहीं चल रही हैं, ये सारी अपडेट मैंने आपको देनी थी। अक्षत मेरे साथ है ना, आज अक्षत मेरे साथ है। कुछ इस तरह से ये मशीन है जिनसे ना सारा का सारा सामान यहाँ पे ला कर आप, ये सारा काम चल रहा है। अभी टाइम लग जाएगा क्यों भाई? और ये जो एंगल लग रहे हैं ना, ये सुबह लगते हैं तब इनको ट्रेनों को रोका जाता है। और ये 9 दिन यानी कि 9 तारीख तक ब्लॉक है, तब तक ये लग जाएगा सारा का सारा, यहाँ से लेके वहाँ तक लगने, वहाँ तक लग रहे ना भाई वो लास्ट तक। तो भाई 9 दिन यानी कि 9 तारीख 10 भी हो सकती है, तब तक जो भी ट्रेनें हैं उनकी 9-10 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब तक जो ट्रेनें हैं ना लेट फेट चलेंगी। सुबह 11 से 2 बजे के तक का जो टाइम है जब तक फिटिंग होगी तब तक तो ट्रेन जो उस टाइम में अगर आपका ट्रैवलिंग करने का कोई टाइमिंग है ना वो शेड्यूल आपका चेंज होगा पक्का। तो भाई इस चीज़ों का ध्यान रख के आइए, अगर आपने अभी कहीं जाने का विचार बनाया ना तो थोड़ा सा रुक जाइए या तो फिर ट्रेन देख लेना यार अच्छे से। तो मैंने तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कुछ ट्रेनें लेट चलेंगी क्योंकि अक्षत, बाकी मैं और अक्षत अभी घर जा रहे हैं क्योंकि, और अक्षत जो था ना वो आज मेरे साथ बाहर घूमने जाने के विचार में था, लेकिन थोड़ा सा अभी अक्षत को मैं बाद में लेके जाऊंगा। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और आपने देख ही लिया जो वहाँ पे काम चल रहा है और जिसकी वजह से थोड़ा सा आजकल आप सभी को डिस्टर्बेंस आएगी। मॉर्निंग की जो ट्रेन है उनका रूट चेंज किया गया है, बस ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपको वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है वो दिखाने के लिए आज हम कहते हैं कैंट स्टेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। आने वाले 10-12 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट करके बताइए आपको स्टेशन का काम जो चल रहा है कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना और करना हमें सपोर्ट। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।